हम इस वक्त चल रहे हैं दक्षिण भारत की ओर और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी तिरुपति बालाजी। अभी भोर हुई नहीं है, सूरज की पहली किरण अब भी अपने रास्ते में है। पूरे वातावरण में वेंकटेश्वर सुप्रभातम गूंज रहा है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशारदूल कर्तव्यम दैवम माहिकम। यह आंध्र प्रदेश का तिरुमलाई क्षेत्र है, सात पहाड़ों का क्षेत्र भी कहा जाता है। वो दूर पहाड़ी पर जो चमकता हुआ नजर आ रहा है आपको, वो तिरुपति बालाजी यानी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। हर सुबह इस मंदिर का रंग और सुनहला हो जाता है और उसकी चमक सातों पहाड़ों पर फैल जाती है। आज से नहीं, हजारों सालों से। तब इन पहाड़ों पर यह मंदिर नहीं, रानी पद्मावती का महल हुआ करता था। अपने पति राजा श्रीनिवास के प्यार में डूबी हुई पद्मावती, जो उनसे मिलन का उत्सव मनाने के लिए हर सुबह सैकड़ों दीप जलाकर सूर्य देव का स्वागत करती हुई इन पहाड़ों को स्वर्णिम कर देती थी। आइए मैं आपको उस युग की एक स्वर्णिम भोर में ले चलता हूं। महल की खिड़की पर खड़े राजा श्रीनिवास बेचैन हैं। रात भर की जागी आंखें अब लाल हो चुकी हैं। श्रीनिवास, क्यों भूल रहे हो तुम तीनों लोक के पालनहार भगवान विष्णु हो? श्रीनिवास अपने चित्त को शांत करने के लिए खुद ही को समझाते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही है। तभी वो अपनी पत्नी पद्मावती की आवाज सुनकर चौंक पड़े। महाराज, कल रात आप फिर नहीं सोए? ये किस चिंता में खोए रहते हैं आप स्वामी? क्या आप मेरे साथ इस विवाह से खुश नहीं हैं? श्रीनिवास ने पद्मावती का हाथ प्यार से थामते हुए कहा, कुछ राजकाज की बातें दिमाग में थीं, इसलिए नींद नहीं आई। आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पद्मावती श्रीनिवास की बात मानकर निश्चिंत होकर सुबह की पूजा की तैयारी करने चली गई। श्रीनिवास फिर उसी चिंता में खो गए। पद्मावती को कैसे बताते कि वो अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी को लेकर परेशान थे? कैसे बताते कि वो विष्णु के रूप तो थे, लेकिन पूर्ण रूप से विष्णु नहीं थे? बात यह थी कि उनके वक्ष यानी सीने पर अब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी नहीं रहती थी। सालों पहले लक्ष्मी रूठकर वैकुंठ धाम छोड़कर यहां पृथ्वी पर आ गई थी। उन्हें मनाने के लिए महाविष्णु मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे। कितना कुछ हो गया उनके पृथ्वी पर आने के बाद। श्रीनिवास ने एक लंबी गहरी सांस ली। मुझे क्यों लग रहा है कि लक्ष्मी आप आस पास हैं? कब खत्म होगी मेरी साधना देवी? काश उस दिन भृगु ऋषि मेरे पास नहीं आए होते, तो न लक्ष्मी रूठती, न मुझे ये रूप लेना पड़ता। उन दिनों संसार त्रेता युग से कलयुग में प्रवेश कर रहा था और पृथ्वीवासियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, पर यज्ञ किसके नाम से हो यह तय नहीं हो पा रहा था। तब भृगु ऋषि गए थे देवलोक ये जानने के लिए कि कौन से देवता सबसे श्रेष्ठ हैं, कौन से देवता इस यज्ञ के अधिपति होंगे। वो पहले ब्रह्मलोक और फिर शिवलोक गए, लेकिन ब्रह्मदेव और भगवान शिव से उन्हें न जवाब मिला न खास सत्कार। कुछ थके कुछ नाराज भृगु जब विष्णुलोक पहुंचे तो दोपहर हो रही थी। विष्णु दोपहर की मीठी नींद में खोए थे। पहले से ही नाराज ऋषि भृगु समझ बैठे कि भगवान उन्हें अनदेखा करने के लिए सोने का नाटक कर रहे हैं। गुस्से में उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने दुनिया के पालनहार देवों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले विष्णु के सीने पर लात मार दी। तीनों लोकों में कोहराम मच गया। तीनों लोक विष्णु के दिल में बसते थे। उनके दिल को ठोकर लगी तो पूरा संसार हिल गया। चोट खाकर विष्णु हड़बड़ा के उठे। ऋषिवर, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? विष्णु तैश में आ गए थे, लेकिन जब उन्हें भृगु ऋषि के गुस्से की वजह पता चली तो उनका गुस्सा भी तुरंत उतर गया। चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर उन्होंने ब्रह्मा और शिवजी के साथ साथ अपने व्यवहार के लिए भी ऋषि से माफी मांग ली।
विष्णु की शालीनता से भृगु ऋषि इतने खुश हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि विष्णु ही देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं और ये भी कि महायज्ञ विष्णु को ही समर्पित होना चाहिए। घोषणा करके ऋषि भृगु तो चले गए, लेकिन विष्णु के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर गए, क्योंकि महाविष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी उनसे रूठ गई थी। उस ब्राह्मण की हिम्मत कैसे हुई आपके सीने पर लात मारने की? तीनों लोग जानते हैं कि मैं अपने पति विष्णु के सीने पर बसती हूँ, ये तो अपमान है मेरा, और आप कुछ बोलने के बजाय उनसे माफी मांगते रहे। जितना अपमान उन्होंने मेरा किया उतना ही आपने भी किया है, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, लक्ष्मी बोली। विष्णु लाख समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी और वो बैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। अब विष्णु के लिए भी बस एक ही उपाय था कि वो अपनी पत्नी को मनाने धरती पर आए। वो श्रीनिवास के नाम से मनुष्य रूप लेकर तिरुमलाई की पहाड़ियों में लक्ष्मी का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार न जाने कितना और लंबा होना था। महाविष्णु पृथ्वी पर आकर साधारण मनुष्य श्रीनिवास के रूप में लक्ष्मी जी को मनाने के लिए तप करने लगे थे। बिना खाए पिए मौसमों की मार झेलते हुए वो सालों ध्यान में बैठे रहे। इतने सालों में उनके शरीर को दीमकों की बांबी ने ढक दिया था। उनको यूं कठोर साधना करते देख ब्रह्मा और शिव उनका हाल बताने लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। अपने पति की ये हालत सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई, लेकिन विष्णु को माफ नहीं कर पाई, क्योंकि ये सिर्फ एक पत्नी के अपने पति पर हक का नहीं बल्कि पूरी नारी जाति के सम्मान का सवाल था। उन्होंने ब्रह्मा और शिव को सलाह दी, हे देव, आप दोनों गाय के रूप में चोलवंश के राजा की गौशाला में शरण ले लीजिए। वहां से रोज सुबह जाकर बांबी में तप कर रहे श्रीनिवास पर आप अपने दूध की धार छोड़ाइएगा, इससे श्रीनिवास की जान बची रहेगी। अगले ही दिन से चोल राजा की गौशाला से दो गायें जब चरने जाती तो वहीं एक बांबी पर अपना दूध छोड़ देती। एक दिन राजा के चरवाहे ने उनको ये करते देख लिया और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन पर वार किया। कुल्हाड़ी तपस्या करते हुए श्रीनिवास को जा लगी और दर्द और गुस्से से तिलमिलाते हुए उससे विष्णु भगवान बाहर निकल आए। बात जल्दी ही वहां के राजा तक पहुंच गई और राजा अपने चरवाहे की करतूत से शर्मिंदा होकर भगवान के पास पहुंचा, लेकिन महाविष्णु ने उस पर अपना सारा गुस्सा उतारते हुए उसे असुर बनने का श्राप दे दिया। पर जब चोल राजा ने माफी मांगी तो विष्णु ने उन्हें माफ भी कर दिया, कहा, आपको माफ करता हूं राजा, मगर अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। आने वाले समय में जब आप आकाशराज के रूप में जन्म लेंगे तो अपनी बेटी पद्मावती की शादी मुझसे करवाकर अपने राज्य का किरीदम यानी मुकुट मेरे सर पर रख दीजिएगा, तब आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी को मनाने का तप अधूरा ही रह गया था। तिरुमलाई के पहाड़ों में भटकते हुए एक दिन श्रीनिवास एक साध्वी वकुला देवी के दरवाजे पर पहुंचे। न जाने कौन से जन्म का रिश्ता था दोनों में कि उनको देखते ही श्रीनिवास के मुंह से निकल पड़ा, माँ। कहते हैं वकुला देवी ही द्वापर युग में कृष्ण की यशोदा मैया थीं और उस जन्म में कृष्ण का विवाह नहीं देख पाई थीं, इसलिए उनका फिर से मिलना तय था और इस जन्म में भी उन्होंने श्रीनिवास को अपना बेटा बना लिया। श्रीनिवास अब उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। लक्ष्मी से यह दूरी विष्णु को खल रही थी। अपने अधूरेपन से वो थकने लगे थे और उनकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए समय वहीं के पहाड़ों में कुछ रच रहा था। कई साल बीत गए। श्रीनिवास के श्राप को ढोते हुए चोल राजा ने तिरुमलाई के एक पहाड़ चंद्रगिरी के राजा आकाशराज के रूप में जन्म ले लिया था। उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें अपनी बेटी की शादी भगवान विष्णु से करनी थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। संतान की चाह मन में लिए उन्होंने नदी किनारे यज्ञ किया। यज्ञ करके अपने महल वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में एक संदूक दिखा। उन्होंने वह संदूक खोला तो वात्सल्य से उनका मन भर आया। उसमें कमल के फूल में लिपटी हुई एक बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती, किलकारियां मारती, उसने अपनी नन्ही उंगलियों को आकाशराज की हथेली पर रख दिया। राजा बेचैन हो उठे, इतनी नन्ही सी जान को कौन छोड़ गया होगा यहां। उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई दिखा नहीं।
राजा उसे राजमहल ले आए और उन्होंने और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को अपनी ही बेटी मानते हुए उसका नाम पद्मावती रखा। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता। पद्मावती वहां के सात पहाड़ों के क्षेत्र में खूबसूरती और हुनर की मिसाल बन गई। आकाशराज इस बात पर गर्व करते रहे, लेकिन उनको डर भी लगता कि पद्मावती का तो विष्णु से विवाह होना है, कहीं और किसी की नजर न पड़ जाए इस पर। इसी डर ने एक दिन उन्हें ये राज पद्मावती को बताने पर मजबूर कर दिया। पद्मावती विष्णु की कामना में सपने बुनने लगी और आकाशराज ने उसे शस्त्र अस्त्र की विद्या में निपुण करवा दिया, ताकि कभी अगर किसी की बुरी नजर पड़े भी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। एक सुबह पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में खेल रही थी कि अचानक जोर का शोर हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा मतवाला हाथी उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। चारों तरफ भागो भागो का शोर था, लेकिन पद्मावती बिना डरे अपनी कमर पर हाथ धरे हाथी से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। इससे पहले कि हाथी उस तक पहुंचता, हाथ में कमान और पीठ पर बाणों का गुच्छा लिए एक सुंदर सा नौजवान उनके बीच आ खड़ा हुआ। बिना तीर कमान और तलवार के सिर्फ हाथों की ताकत से उस नौजवान ने हाथी को हरा दिया। पद्मावती उस नौजवान से नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके दिमाग ने आगाह किया, पद्मावती मत देखो उसे, यूं प्रेम हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारी शादी मनुष्य नहीं भगवान विष्णु से होनी है। लेकिन उसका मन कहां सुनने वाला था उसकी ये बात। आप इस हाथी से लड़ने वाली थी, नौजवान ने पूछा तो पद्मावती के गाल शर्म से लाल हो गए। नजरें झुकाती हुई बोली, हाँ। नौजवान बोला, बहुत साहसी हैं आप और सुंदर भी। आप किसी राज परिवार से हैं क्या? मैं यहाँ के महाराज आकाशराज की पुत्री पद्मावती हूँ। कहते हुए उसने जब नजरें उठाई तो उस नौजवान ने उसकी आंखों में लिखा प्यार पढ़ लिया। उसकी ओर बढ़कर हाथ थामते हुए बोला, मैं श्रीनिवास हूँ, यहीं जंगल में रहता हूँ। आपके साहस और खूबसूरती से मुझे प्यार हो गया है। पद्मावती श्रीनिवास की छुअन से घबराकर भाग खड़ी हुई, लेकिन श्रीनिवास के लिए उसके मन में उपजे प्यार से वो भाग नहीं पा रही थी। उस मुलाकात के बाद श्रीनिवास भी बुझा बुझा रहने लगा। वकुला देवी की बूढ़ी आंखें सब देख रही थी। क्या दबाए हो मन में श्रीनिवास, अब कह भी दो। मां के सवाल पर श्रीनिवास ने अपना दिल खोल कर उनके सामने रख दिया। मैया, मुझे पद्मावती से शादी करनी ही है। अपने एक अवतार में मैंने उसे ये वचन भी दिया था। वकुला देवी आकाशराज के पास पहुंच गई पद्मावती से श्रीनिवास की शादी का प्रस्ताव लेकर। श्रीनिवास से शादी का प्रस्ताव सुनकर आकाशराज परेशान हो गए। उनकी बेटी पद्मावती की शादी तो विष्णु के साथ होनी थी। उनकी चिंता की वजह जानकर वकुला देवी हंस पड़ी। बस इतनी सी बात थी राजन, और हमारे बच्चे इतने परेशान हुए। अरे श्रीनिवास ही तो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने कहा। बस फिर क्या था, आकाशराज अपनी बेटी पद्मावती की शादी श्रीनिवास से करने के लिए तैयार हो गए। मगर श्रीनिवास के पास इस राजसी विवाह के लिए धन नहीं था, इसलिए कुबेर से ऋण मांगा तो कुबेर ने हंसते हुए कहा, जानता हूं आप भगवान विष्णु हैं, लेकिन अब आपकी लक्ष्मी आपके साथ नहीं है तो ये ऋण पूरा कैसे करेंगे। श्रीनिवास ने कुबेर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, लक्ष्मी आएंगी, हमारी जोड़ी शाश्वत है, नहीं टूटेगी। कलयुग के अंत तक मेरे भक्त तुम्हारा ऋण सूद समेत वापस कर देंगे। इसीलिए इस युग से ये मान्यता रही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में उनके भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो उनके कुबेर से लिए कर्ज को चुकाने में जाता है। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी बहुत धूमधाम से हुई और श्रीनिवास के सर पर किरीदम यानी मुकुट रख दिया गया और वो तिरुमला के राजा यानी तिरुपति बन गए। श्रीनिवास और पद्मावती के बीच का प्यार समय के साथ गाढ़ा हो रहा था, लेकिन लक्ष्मी की याद एक पल के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी उन्हें। अचानक बाहर आहट हुई। श्रीनिवास ने पूछा, कौन? जवाब एक जानी पहचानी आवाज ने दिया, मैं, आपकी पत्नी लक्ष्मी।
बेचैन श्रीनिवास की आंखों से सुकून की धार बह निकली। लक्ष्मी आप यहां, मेरी साधना सफल हुई देवी, आप वापस आ गईं? नहीं देव, मैं वापस नहीं आई हूं। नारद मुनि ने बताया कि आपने किसी राजकुमारी पद्मावती से शादी कर ली है। आप तो मुझे मनाने आए थे ना यहां, फिर ये क्या? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए विष्णु श्रीनिवास से बाहर निकले। प्रिय, आप तो जानती हैं हम देवों की परेशानी, एक कार्य के पीछे 100 कारण होते हैं। मेरी जगह किसी और को देने के पीछे क्या कारण है, मैं जानना चाहूंगी देव। आपकी जगह आपके लिए ही है और अब भी खाली है, मगर पद्मावती का भी एक अधिकार है मुझ पर। त्रेता युग में राम के रूप में मैंने उससे वादा किया था, विष्णु बोले। कैसा वादा? लक्ष्मी ने हैरान होकर पूछा। विष्णु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। वेदवती याद है आपको देवी, उसके बलिदान को रामायण में याद नहीं रखा गया, मगर मैं नहीं भूल सकता। रावण के विनाश में वेदवती ने मेरी सहायता की थी। जिसे सीता समझकर रावण उठा ले गया था वो माया सीता यानी सीता के रूप में वेदवती थी। इस उपकार के बदले उसने मुझसे विवाह का वरदान मांगा था। तब तो मैं सीता से विवाह कर चुका था। मैंने उसे वचन दिया था कि किसी और जन्म में मैं उससे विवाह करूंगा। वो वेदवती ही पद्मावती है। पद्मावती का सच सुनकर लक्ष्मी शर्मिंदा हो गई कि अपने पति पर वो अविश्वास कैसे कर बैठी। लक्ष्मी विष्णु के गले लग गईं और उनके दिल में अपनी जगह ले ली। लक्ष्मी देवी, ये श्रीनिवास हैं मेरे पति, आपका हक विष्णु पर है, इन पर नहीं। तभी पद्मावती की आवाज सुनकर विष्णु और लक्ष्मी ने चौंक कर देखा। लक्ष्मी ने पद्मावती को समझाने की कोशिश की, लेकिन पद्मावती जिद कर बैठी कि विष्णु को वो बैकुंठ धाम नहीं जाने देंगी। उनकी जिद से लक्ष्मी खींच गई, उनकी नर्म आवाज सख्त हो गई। भगवान विष्णु स्तब्ध थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनकी वजह से दोनों पत्नियों का दिल तो दुखा था। उनका दिल ग्लानि से भर गया। बरसों की साधना का यह नतीजा देखकर वो पत्थर हो गए। विष्णु को पत्थर की मूर्ति में बदलते देखकर लक्ष्मी और पद्मावती जैसे बेहोशी से जागी। जिस पत्नी के दिल और जिंदगी पर अधिकार के लिए वो लड़ रही थीं, वो उनके सामने पत्थर की मूर्ति बना हुआ था। अपराध बोध में लक्ष्मी और पद्मावती खुद भी मूर्तियों में बदल गईं। कहते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ कई सदियों तक अपने पंख फैलाकर पत्थर हुए भगवान विष्णु और उनकी दोनों पत्नियों लक्ष्मी और पद्मावती को धूप, बारिश और ठंड से बचाते रहे। और फिर 8वीं सदी में राजा तोडाईमान ने यहाँ ये भव्य मंदिर बनवाया। तिरुमाली पहाड़ियों की जिस चोटी पर भगवान जड़मत हुए वो वेंकटाद्रि है, और इसके लिए युगों ने उनको तिरुपति वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी के नाम से जाना। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।